कई महीने से जोशी मठ की जो त्रासदी है, घर उजड़ गए, घर थोड़े थोड़े करके क्रैक करने लगे, रात को उनके टूटने की आवाज आने लगी, काफी ज्यादा न्यूज में था, टीवी चैनल्स की और अखबारों की सब तरफ ये खबर थी। और ये किसी को मालूम नहीं है कि जोशी मठ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है इसलिए खबर आ गई। सच्चाई ये है हिमाचल और उत्तराखंड और इनफैक्ट जम्मू की तरफ भी और थोड़ा उधर सिक्किम की तरफ भी बहुत सारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां हाल यही है जो जोशी मठ में है। जोशी मठ इन पर्टिकुलर का ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उनमें से एक के साथ मैंने स्विट्जरलैंड में काम किया, प्रोफेसर गैंसर और उनके गुरु हाइम हाइम एंड गैंसर 1938-39 इन 2 साल एक्सपीडिशन किए थे इस एरिया में। और उन्होंने तब भी बताया था कि जिसको ये लोग लैंडस्लाइड समझ रहे हैं वो पुराने टाइम पर ग्लेशियर था, जो पानी चले गया तो ग्लेशियर में जो भी मलवा पत्थर ईंट मिट्टी जो भी था वो एकदम से बैठ गया। वो बैठने के बाद में उसको कोई कॉम्पैक्शन का चांस नहीं रहता है। अब गांव वाले उनको बसना है तो जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्राउंड देखेंगे वहाँ अपनी झोंपड़ी खड़ी कर लेंगे। पहले तो झोंपड़ी बनती थी, आजकल झोंपड़ी के जो है थोड़े से पक्के घर बनने लगे। पक्के घर बनते बनते गए, रिलीजियस प्लेस था, तीर्थ स्थान जाने का रास्ता था, वहीं पे कैंप लगता था, होटल बन गए, सब कुछ हो गया। होटल बन गए तो वो जो एक बड़ा अनस्टेबल लैंडस्केप था वो धंसने लगा। और बाकी रहस्य है, ये जो अपने ढेर सारी कंपनियां आए उन्होंने उसके नीचे में टनल खोद दिए। और जो टनल है, जब टनल खुदता है तो कितना सारा डायनामाइट लगता है, क्या क्या होता है, तो सारा का सारा एरिया अनस्टेबल हो गया। जो जोशी मठ में इतना पानी निकला है उधर से, वो पानी कहीं से तो आया है, वो पानी जब आ गया तो और अनस्टेबल हो गया। अब क्या कुछ दिनों के बाद में जितना उसका बेड़ा गर्क होना था वो हो लिया और होटल तोड़ तोड़ के फेंके। पर अगर आपने एक भारी स्ट्रक्चर एक जगह खड़ी कर दी है उसको तोड़ने से होगा, हमने तो वहीं पे छोड़ा, उसी लैंडस्केप पे छोड़ा, कहीं बाहर तो नहीं लगा उसको। तो जोशी मठ अकेला नहीं है, पर जोशी मठ एक उदाहरण है जो हम लोगों को, हमारे पूरे सिस्टम को और हमारे जैसे और देशों को अकल दे सकता है कि आप थोड़ा सा जब अर्बनाइजेशन का अप्रूवल दीजिए वहाँ पे विलेज एरियाज में हिमाचल पहाड़ों के उस लैंडस्केप का सॉइल सर्वे पूरा ठीक से टेक्निकल क्लियरेंस होनी चाहिए। और ये नॉर्मल होगा क्योंकि पुराने जमाने के ग्लेशियर्स गए हैं और ग्लेशिएशन धीरे धीरे के घट रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो जो मोरेन, ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं उसको, ग्लेशियल मोरेन्स की डेब्रीज के ऊपर आप भारी भरकम स्ट्रक्चर्स नहीं खड़ी कर सकते, और करोगे तो मरोगे। तो सेफ्टी लाइज इन प्रॉपर सर्वे ऑफ ए लैंडस्केप बिफोर इवन ए स्मॉल टाउन इज अलाउड टू कम अप। पर वो कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो ये वाला जो जोशी मठ का प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं, ये ऑलरेडी नैनीताल में 14-15 साल से इस पर रिसर्च हो रही है। नैनीताल का एक एरिया है, ढेर सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और मसूरी का मुझे ठीक से पता नहीं है, पर कहते हैं इधर में भी टनल्स खुदने हैं। ये हिमालय का जोशी मठ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये एक सबक है कि हम लोगों को हिमालय में जैसा है एक डेलिकेट बैलेंस, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी में उसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो एक टेम्पररी लालच है उसमें कुछ मिलता नहीं है, ना सरकार को, ना होटल वालों को, ना घर वालों को। पहाड़ में पहाड़ जैसे एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर वाले लो लाइन घर होने चाहिए, वह गगनचुंबी टावर से काम नहीं चलता। जोशी मठ वाज द लास्ट एरिया सूटेबल फॉर 5-6 स्टोरी होटल्स।